बेशक अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी फरमाया कि मैं आजमाता हूँ माल से जान से और औलाद से तो इसी तरह से शायद अल्लाह ताला ने मुझे भी आजमाया था जब मुझे मेरी जैनब हुई जैनब 2019 में हुई थी ट्वेंटी फोर्थ अगस्त की नाइट को एवन एवन फिफ्टी फोर और फिफ्टी सिक्स समथिंग था शी वॉज़ बॉर्न ऑन ट्वेंटी फोर्थ अगस्त टू थाउजेंड एंड नाइनटीन और अलहमदिल्ला आई बिकेम अदर ऑन दैट डे तो मैं आपसे अपनी एक स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ जो कि uh, इस हवाले से किलाद से अल्लाह तजमाते हैं और पेरेंट्स जो मर्ज़ी कर लें uh, हर पेरेंट्स कहते हैं कि हम हम अपने बच्चों को कुछ नहीं होने देंगे अल्लाह अल्लाह ना करे कभी भी किसी की भी औलाद को कुछ हो क्योंकि औलाद का दर्द क्या होता है जब आप पेरेंट्स बनते हो ना तब आपको पता चलता है वरना हम जैसे ही जो है लोग अपने पेरेंट्स को उठ के कहते हैं आप लोगों ने हमारे लिए किया क्या है तो जब इंसान खुद बनता है ना माँ या औलाद जब आप आप अल्लाह ताला आपको बुनाते हैं फिर आपको पता चलता है कि इसकी क़दर क्या है ये हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए क्या क्या, क्या किया अच्छा तो स्टोरी कर शुरू करने से पहले मैं आप एक ही छोटी सी बात बताऊंगी कि जब मैं कुछ भी अपनी अम्मी के साथ मैं हर लड़की करती है कुछ भी ना तो मैं कुछ भी करती थी तो मेरी अम्मी कहती थी कि जो खुद माँ बनेगी ना फिर पता चलेगा जो तुम आप मामा बनोगे ना फिर तुन पता चलेगा तो वो बात बड़ी हंड्रेड परसेंट राइट होती है जब आप ख़ुद माँ बनते हो ना फिर उस वो पेन फील होती है जो हमारे पेरेंट्स को फ़ील होती थी हमारे लिए तो स्टोरी शुरू करने जा रही हूँ मैं आ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ट्वेंटी फोर्थ अगस्त को जैनब पैदा हुई थी माशाल्लाह से अल्लाह मुझे माँ की माँ बनने की नमत से नवाजा और ये दुनिया की सबसे बड़ी खुशी है अल्लाह ताला हर बे उलाद को औलाद से नवाजे हर एक की गोद भरे सबसे पहले तो मैं ये दुआ करूँगी और बड़ी स्मूदली बड़ी आ, मतलब जिस तरह से आ, होता है कि हॉस्पिटलाइज्ड रही मैं सी सेक्शन से जाने हुई थी तो आफ्टर टू डेज़ में घर आई और बड़ा स्मूदली हर चीज़ चल रही थी माशाल्लाह से मिठाइयाँ बांटी जा रही थी और गेस्ट पे गेस्ट आ रहे थे जैनब को मिलने और हमारे घर में ना मतलब मेरी जो सास है ना उनकी बेटी नहीं है अल्लाह ताला ने उन्हें दी थी लेकिन फिर अल्लाह ताला ने उन्हें उसे अपने पास बुला लिया तो उस जब जैनब हुई थी ना तो वो उसे उसे अपनी बेटी की तरह वो जितना खाला ने प्यार किया ना मेरी जो सास है वो वो मेरी खाला ही हैं तो जितना उन्होंने प्यार किया है मैं कहती हूँ शायद ही कोई आ, दादी वगैरह जो थी ना वो इस तरह कर सकते बहुत प्यार किया उन्होंने उन्होंने मुझसे भर के उसे प्यार किया है एक पूरी एक माँ की तरह उसे मेरे साथ उन्होंने पाला है बल्कि मेरी हर छोटी बड़ी गति मुझे तो पता भी नहीं था मेरा जर सी बता है फर्स्ट एक्सपीरियंस होता है माँ का तो नहीं पता होता है इतना किस बच्चे के साथ किस तरह से ट्रीट करना है किस कंडीशन में तो उन्होंने मुझे आ, स्टेप हर स्टेप पे मुझे उन्होंने गाइड किया बल्कि मेरे साथ जैनब बीमार होती थी तो वो मेरे साथ होती थी इन स्टेड ऑफ माई हस्बैंड तो ये नहीं कि मेरे हस्बैंड केयरिंग नहीं है लेकिन वो ज़्यादा केयरिंग है तो जब स्टोरी यहाँ से शुरू होती है कि हम जैसे घरों में ना सब लोग जब भी कोई बेबी पैदा होता है ना तो उसका सर बनाते हैं सर पे बड़ा फोकस करते हैं ना कि उसका सर बनाना है बड़ा बच्चा बड़ा अच्छा लगता है सर बनाने से ना तो यही मेरी जैनब पे साथ भी किया तो सर बनाने के लिए ना एक रखी वो बना पटरी सी एक बनाई थी ना इतनी इतना सा ले ना लकड़ी का टुकड़ा तो उसके ऊपर कपड़ा चढ़ा के तो उसको बड़े साइडों से ना उसकी छोटी छोटी सी दो सड़हान सी पिल्लों से बन गए थे तो वो रखी वो बनाई थी जैनब के लिटाने के लिए कि इसके ऊपर सर रखेंगे तो जैनब का सर जो है ना वो सही बन जाएगा अच्छा तो जब वो सर रखने के लिए बनाए अच्छा जैनब उस पर लेटी नहीं है ब मुश्किल एक या दो एक या दो दिन लेटी और वो थोड़ी थोड़ी देर असल वजह ये बनी कि जैनब जो है बहुत ज़्यादा गर्मी में पैदा हुई थी और वो जिस मौसम में जो मौसम होता है ना सफोकेशन वाला वो वाले मौसम में जैनब पैदा हुई थी हबस होती है बारिशें होती हैं और फिर हब्बस हो जाती है इस तरह से और हमारे घर में मतलब एयर एसी नहीं था उन डेज में ना एसी नहीं लगा हुआ था हमारे घर में एयर कूलर था लेकिन आपको पता है उन दिनों में एयर कूलर भी कोई काम नहीं करते तो क्या हुआ कि जैनब को हमने ना लटाते थे यहाँ आपको पता होगा कि एक दुपट्टा तो लेके तो उसकी ना गिरे बड़ी बड़ी गिराए लगाते हैं उसको और सेंटर में इतना इतने सी स्पेस छोड़ देते हैं सीधी के बच्चे का सर उसमें रख देते हैं गिरा साइड पे होती है गर्दन के दोनों साइड पे के बच्चा सर ना हिला सके तो इस तरह से भी किया गया लेकिन तो जब मेरा सी सेक्शन हुआ तो जब मेरी जैन की डिलीवरी हो गई तो फिर वैसे बात है छोटे बेबी के साथ छत पे नहीं सोते हैं तो फिर मैं नीचे खाला के रूम में सोती थी वॉशरूम भी था उधर और मतलब विंडो भी थी तो ज़रा क्रॉस वेंटिलेशन भी होती रहे और मुझे इधर उधर ना जाना पड़े तो इसलिए मैं ना वहीं सोती थी मुझे को लेके खाला भी साथ में होती थी तो इतनी गर्मी होती थी वहाँ पे लेकिन क्योंकि आपको पता है प्रेगनेंसी में सॉरी जब ये होता है ना डिलीवरी के बाद तो कहती हैं बड़ी अम्मियाँ कहती हैं अभी आ, हवा नहीं लगनी चाहिए जिसम को बताऊंगी आगे, आगे, आगे तो मैट्रे लेटती थी हो तो वो जो बिठाते है ना ये जो चीज वो जो बिठाने के लिए होती है ना वो जैनब के ना वहाँ पे ना एक छोटा सा न पिम्पल बन गया छोटा सा बिल्कुल न तो दाना सा बन गया ना तो वो दाना जो है आहिस्ता 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 ना वो बड़ा हो गया दिनों में वैसे ही था जैसे कि बच्चे को जैसे जब पैदा होता है ना बच्चा जब पैदा होता है बच्चे को तब भी दाने निकलते हैं तो वो होती है उस बच्चे की अंदर की हीट होती है जॉन्डिस भी होता है बच्चों को कुछ को कम होता है कुछ को थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है तो वो दाना इस तरह से था हमने बड़ा नॉर्मल सा लिया कि भाई हो जाएगा ठीक मतलब मैं उसके ऊपर ना ट्यूब लगा देती थी एक दिन उसको क्या हुआ कि बुखार हो गया तो ये भी हमने एक नॉर्मल चीज़ है जी हम लोग नॉर्मल डॉक्टर के पास गए और उसकी मेडिसिन लेके आए उस उन दे, तब मैं जब डॉक्टर के पास गई थी तो मैंने डॉक्टर को ये दिखाया था दाना तो उसने कहा था कि ऐसा कोई इशू नहीं है तो उसने मुझे एक ट्यूब लिख के दी थी तो पॉलीफेक्स आई थिंक तो कहीं ये इसके ऊपर ना लगा दे तो ये ठीक हो जाएगा लेकिन मेरे पास एक डर्मोवे ट्यूब पड़ी हुई थी तो मैं वो भी लगाती थी इसके ऊपर दाने के ऊपर लेकिन वो दाना नहीं सही हो रहा था बस जब आ, जब कोई आफत आनी हो ना तो जब कोई मुसीबत आनी हो तो फिर फिर नहीं रुकता फिर वो आके ही रहती है इंसान को नहीं पता चलता है जब वो इस तरह से कोई काम होना होता है खैर वो दाना नहीं ख़त्म हो रहा था और मैं जैनब को मैंने बुखार हो गया तो उसकी मेडिसिन दिलाई उसको जैनब को मेडिसिन दी लेकिन तो जब जैनब को दो दिन में उस डॉक्टर के पास में मेडिसिन लेने जाती रही उससे मेडिसिन दिलवाई लेकिन उससे क्या होता था बुखार उतर जाता था लेकिन फिर से हो जाता था फीवर तो आ, फिर एक दिन रात को जैनब की ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो गई सुबह में भी उसको बुखार था तो फिर बड़े अच्छे एक डॉक्टर है यहाँ हमारे पास में है बाइक पे अगर जाए तो पाँच मिनट का रास्ता है तो उनके क्लिनिक पे चले गए चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं वो बहुत अच्छे डॉक्टर हैं तो जब उनके क्लिनिक पे जाके उसको जैनब को चेक करवाया और उनके क्लिनिक पे इतना रश होता है बहुत रश खैर मैंने डेढ़ से दो घंटे पहले वेट किया अपनी अपनी टर्न का उसके बाद जब मेरी टर्न आई तो डॉक्टर ने जब उसको देखा तो वो डॉक्टर को अंदाज़ा हो गया था कि जैनब इज़ नॉट वेल तो जैनब की तबीयत ठीक नहीं है तो उन्होंने जैनब को जो इंजेक्शन और मेडिसिन वगैरह जो प्रस्क्राइब की थी वो आ, आ, अगर उसे लग जाते है, वो इंजेक्शन जो उन्होंने दिया था तो वो जब वो लगाने लगे तो आ, उनके जो क्लिनिक पे होते हैं जो मेडिसिन वगैरह देते हैं क्योंकि वो तो सिर्फ चेकअप करते हैं और मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं तो जो उनके वहाँ थे ना बर्नोला जो भी होता है तो जैनब को जब वो कनोला लगा रहे थे तो जैनब को जैनब की वेन नहीं मिल रही थी और जैनब उस वक्त बाईस दिन की थी और बाईस ही दिन की थी या तेईस दिन की थी तो जैनब को वो कनोला लगा रहे थे उस उन्हें वेन नहीं मिली थी और वो जगह जगह प्रिक कर रहे थे जैनब को और जैनब को कोई वेन नहीं उन्हें मिली थी क्योंकि मेरा फर्स्ट भी था और मैंने इस तरह से इतने छोटे बच्चे को कभी भी प्रिक होते हुए नहीं देखा था उससे पूरी कोशिश करती जैसे कि एक माँ अपनी पूरी कोशिश करती है अपने बच्चे को चुप करवाने की जब वो रो रहा होता है तो सुफियान भी मेरे पास थे मेरे हस्बैंड और वो इतना परेशान हो रहे थे देख के कि जैनब इतना रो रही है तो वो कह रहे थे छोड़ से बोलो छोड़ दो हमने नहीं लगवाना इस ये इसको आता ही नहीं है लगाना ये ये अनएक्सपीरियंस है बंदा इसको नहीं लगाना आता अगर उस दिन वो जैनब को मिल जाता वो इंजेक्शन लग जाता तो जैनब की तबीयत इतनी नहीं ख़राब होनी थी आ, तो उन्होंने बड़ी कोशिश की उसके बाद डॉक्टर साहब ख़ुद भी आए तो उन्होंने भी कनोला लगाने की कोशिश की लेकिन उनसे भी नहीं लगा तो खैर हम मेडिसन्स वग़ैरह लेके फिर हम लोग घर आ गए लेकिन डॉक्टर साहब ने मुझे इतना बोल दिया था कि ये जिस जो इस जिसकी वजह से इसकी तबीयत ख़राब हुई है या जिस वजह से फीवर हो रहा है ना इस बच्ची को तो जब इस बच्ची को ये लग जाएगा इंजेक्शन तो ये बच्ची ठीक हो जाएगी बस उनसे ये गलती हुई कि वो मुझे ये कह देते आ, कि आप कनोला किसी अच्छे हॉस्पिटल से लगवा लाएं और फिर हम बच्चे को जो है वो इंजेक्शन लगा देती हैं या इंजेक्शन दे देते आ, कि आप ये किसी भी अच्छे जो है डॉक्टर से या एमरजेंसी से कहीं किसी हॉस्पिटल से जाके तो ये बच्ची को इंजेक्शन लगवा दे खैर उन्होंने मुझे ऐसा नहीं कहा और हम लोग मेडिसिन लेके घर आ गए और जब घर आ गई तो तकरीबन जैनब की तबीयत वैसे ही थी बुखार उसे था लेकिन कम नहीं हो रहा था बुखार बल्कि ज़्यादा हो रहा था मगरिब का टाइम हो गया ना इसी तरह से तो मगरिब के टाइम के तकरीबन कुछ आधा पौना घंटा पहले आप कह लें या एक घंटा पहले मेरी अम्मी ना मेरे घर के पास ही रहती थी उस वक्त अब मेरी अम्मी लोग यहाँ से चले गए हुए हैं तो आ, मेरी अम्मी लोग यहाँ पे पास ही रहती थी तो मेरी अम्मी जैनब का पूछने आती थी रोज़ जब से उसकी तबीयत नहीं ख़राब थी वैसे भी जिस दिन से जैनब हुई थी मेरी अम्मी रोज़ाना आती थी तो उस दिन भी मेरी अम्मी आई और मेरी अम्मी जैन सुबह में नहीं टाइम मिला मेरी अम्मी को आने का तो अम्मी आई शाम में और अम्मी ने जैनब की तबीयत का पूछा तो मगरिब की ना अजान से तकरीबन आप पाँच से दस मिनट पहले की बात है ये पाँच मिनट से पहले यहाँ अजान हो रही थी तो जैनब को ना मैं ले कर खड़ी हुई और जैनब को ना एकदम से फिट्स लगने लग गए और मेरी अम्मी की उसके ऊपर नज़र पड़ी जब उसे फिट्स लग रहे थे तो मेरी अम्मी ने बड़ी परेशान होकर मेरी अम्मी ने बोला कि बाजी ये देखिए इसे क्या हो रहा है इसको जब झटके लग रहे हैं और उस वक्त मुझे नहीं पता था कि ये फिट्स क्या होते हैं झटके क्या होते हैं और मेरी बेटी को मेरी बेटी की एक बाजु मसलसली ले रही थी उस वक्त में वो टाइम वो अल्लाह ना करे किसी भी पेरेंट्स पे वो टाइम आए मैं आज भी वो टाइम याद करती हूँ तो मेरा दिल कांप उठता है और मुझसे वो बात नहीं होती है वही जो हमारे घर के पास डॉक्टर है मैं उन्हीं के पास गई जिनसे मैंने दो दिन पहले जो है वो ली थी मेडिसिन तो मैं भागी गई सुफियान के साथ मेरे हस्बैंड भी घर थे उस वक्त तो हम लोग उस डॉक्टर के पास दिखाने गए और इसको फ़ौरन जाके बताया कि डॉक्टर साहब ये देखिए इसको फिट्स लग रहे हैं उस वक्त मुझे नहीं पता था कि इन्हें फिट्स भी फिट्स क्या होते हैं इसे फिट्स कहते हैं ये झटके भी किसी बच्चे को लगते हैं या ये लग सकते हैं तो जब मैं डॉक्टर साहब के पास गई तो डॉक्टर साहब ने मुझे बोला कि आप ना इसे उन्होंने स्टेथोस्कोप से इस चाह को चेक किया और उन्होंने कहा कि इसको आप जितना जल्दी हो सके किसी अच्छे से हॉस्पिटल ले जाए तो फिर मैं जैनब को लेके ना उस वक्त मैं इतना चोरों को तार रो रही थी इतना हजारों को तार मैं रो रही थी बहुत सुफियान भी परेशान थे बेशक बाप का भी दिल दुखता है लेकिन वो कहते हैं ना मर्द अपने आप को मजबूत बनाते हैं या मज़बूत दिखाने की कोशिश करते हैं जब मेरी अम्मी जब तक मेरे पीछे मेरे पैदल पहुँची मैं डॉक्टर साहब के क्लिनिक से बाहर आ गई थी और मैं रोते हुए अपनी अम्मी को कह रही थी कि अम्मी जी डॉक्टर कह रहे हैं कि उसको हॉस्पिटल ले जाएं तो मैं ना फ़ौर वहाँ से घर आई कि जैनब की कुछ चीज़ें ले लूँ क्योंकि मैं सिर्फ़ ज़ैनब को उस वक्त डॉक्टर के पास लेके गई थी कि बच्चा मतलब वॉशरूम रूम कर सकता है तो मैंने कहा एक आधा पैम्पर ले लेती हूँ इसका और इसकी इतनी तबीयत ख़राब है कि एक एक दो नेपकिन ले लेती हूँ इसको ना पट्टियाँ करती रहूँगी ताकि इसको ना ताकि इसको ना बुखार ना ज़्यादा हो तो मैं उसको सुफियान के साथ तो मैं वहाँ से घर आई और घर से इसकी कुछ चीज़ें जो हैं ली खालों को बताया कि इस तरह से डॉक्टर कह रहे हैं कि इसको हॉस्पिटल ले जाएं और मेरी खाला भी बहुत ज़्यादा रोने लग गई थी उस वक्त क्योंकि क्योंकि अल्लाह ताला ने उनसे भी एक दफ़ा एक नहीं दो दफ़ा उनसे अपने बच्चे ले लिए थे तो उनको अपना वो टाइम याद आ गया